हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वेब स्क्रैपिंग या डाटा स्क्रैपिंग तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेब स्क्रैपिंग क्या है वेब स्क्रैपिंग हम क्यों करते हैं और हम वेब स्क्रैपिंग किस तरह से कर सकते हैं डिफरेंट इसकी लाइब्रेरीज जो इन्वॉल्व हैं वेब स्क्रैपिंग में वो कौन कौन सी हैं वो सारी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेब स्क्रैपिंग क्या है तो वेब स्क्रैपिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जिससे हम ऑटोमेटिकली डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से अब ये हमें अलाउ करता है कि हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और एफ़िशेंट वे में जो कि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के लिए और बाकी दीगर पर्पसेस के लिए अब हम वेब स्क्रैपिंग क्यों करते हैं वेब स्क्रैपिंग हम करते हैं रिसर्च पर्पसेस के लिए या डिफरेंट एनालिसिस या डिसीजन मेकिंग के लिए या मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए हम डेटा सेट्स बनाते हैं जिसके लिए हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं या हम ऑटोमेटिंग रेपिटेटिव टास्क एज डाटा एंट्री जो कि हमने ऑटोमेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए हम जो है वेब स्क्रैपिंग करते हैं अब हम देखते हैं कि वेब स्क्रैपिंग हमारे पास काम किस तरह से करता है वेब स्क्रैपिंग में हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स यूज होते हैं जिसके थ्रू हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट से अब ये जो टूल्स हैं जो प्रोग्राम्ड होते हैं ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं रेलिवेंट डाटा को और उसको एक्सट्रैक्ट करता है फिर उस डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रेडशीट या डेटा बेस में तो इस तरह से हमारे पास वेब स्क्रैपिंग काम करता है अब अगर हम देख लेते हैं कि हम वेब स्क्रैपिंग किस तरह से कर सकते हैं तो वो तीन तरीक़ों से हैं कि यूज़िंग एन ए पी आई पार्सिंग एच टी एम एल यूजिंग अ हेडलेस ब्राउज़र ए पी आई किस तरह से हम करते हैं कि कुछ वेबसाइट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो ऑफ़र करते हैं हमारे पास ए पी आई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो कि डेवलपर्स को अलाउ करता है कि उस वेबसाइट की डाटा को एक्सेस करें इन द स्ट्रक्चर्ड वे राइट तो ये हमारे पास बहुत रिलायबल और एफिशिएंट वे है एक वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करने का यूजिंग एन ए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्सिंग एच डिफरेंट हमारे पास जो वेबसाइट है उनको बनाया जाता है यूजिंग द एच टी एम एल दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो इसके लिए हम जो है अब जो वेबसाइट पे कंटेंट है उसको भी तो ऑर्गेनाइज करते हैं हम इसी मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू तो अब वेब स्क्रैपिंग टूल जो हैं वो एच कोड जो है उस वेबसाइट का उसको वो पार्स करेंगे और जो रेलिवेंट डाटा है उसको आइडेंटिफाई करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इस तरह से हम पार्सिंग एच के थ्रू वेब स्क्रैपिंग या डाटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं यूजिंग अ हेडलेस ब्राउज़र अब एक हेडलेस ब्राउज़र कौन सा ब्राउज़र होता है अब हेडलेस ब्राउज़र एक ऐसा वेब ब्राउज़र जहाँ पर जिस ब्राउज़र में ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जे यू आई नहीं होता तो वेब स्क्रैपिंग टूल्स जो हैं एक हेडलेस ब्राउज़र को यूज़ करेंगे और एक वेबसाइट को ब्राउज करेंगे और सारा का सारा डाटा जो कि स्क्रीन पे अपेयर होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इस तरह से हम वेब स्क्रैपिंग या डाटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं यूजिंग अ हेडलेस ब्राउज़र अब हम देख लेते हैं कि कौन सी वो पाइथन लाइब्रेरीज हैं जो कि वेब स्क्रैपिंग या डाटा स्क्रैपिंग के लिए यूज़ होती हैं तो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ ब्यूटिफुल सूप स्क्रेपी और या हमारे पास जो थर्ड वन है दैट इज रिक्वेस्ट तो ब्यूटीफुल सूप जो है हमारे पास काफ़ी सिंपलर लाइब्रेरी है जो कि बिगनर्स के लिए सीखना और यूज़ करना बहुत आसान है अब स्क्रेपी की बात कर लें तो थोड़ी सी एडवांस्ड लाइब्रेरी है जो कि हमारे पास लार्जर या कम्प्लेक्सड वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइन की गई है अगर हम रिक्वेस्ट की बात कर लेते हैं रिक्वेस्ट लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं कि हम कॉन्टेंट को फैच करते हैं जो हमारे पास यू आर एल गिवन है उसके थ्रू हम डाटा को फैच कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी वेब स्क्रैपिंग या डाटा स्क्रैपिंग को परफॉर्म कर सकते हैं तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि वेब स्क्रैपिंग और डाटा स्क्रैपिंग क्या है हम ये क्यों करते हैं किस तरह से कर सकते हैं और वो कौन सी लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जो हम यूज़ कर सकते हैं वेब स्क्रैपिंग या डाटा स्क्रैपिंग के लिए आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके